बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेट व्यूअर्स फ्रॉम बाकमालो और हस्तम आपका मेजबान यकूब जावेद कमयाना आज खिदमत है। ग्रेट व्यूअर्स, कौमें ऐसे नहीं बन जाती, मुल्क ऐसे नहीं बन जाते, इदारे ऐसे नहीं बन जाते। आइए हम आपको आज एक ऐसे घराने से स्टार्ट कराएंगे, आगाज कराएंगे जिसने लोग एक मरला किसी को नहीं देते, एक पेन नहीं किसी को देते, एक घर का टुकड़ा किसी को नहीं देते, जमीन का एक टुकड़ा किसी को नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो लोगों ने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कायद के कदमों में रख दिया। उन्हीं घरानों में बेशुमार घराने हैं, किस किस का नाम लूं, लेकिन जिस घराने का आज जिक्र करने जा रहा हूं, जिन्होंने अपनी एयरलाइन ओरिएंट एयरवेज जो पाकिस्तान बनने से पहले बनाई, वो खानदान कौन था, कौन से अजीम लोग थे, कौन से बाकमाल लोग थे, अस्वहानी बड़ा नाम, छुपे हुए लोग, छुपे हुए मुजाहिद, खामोश मुजाहिद। जब पाकिस्तान बना तो कायद की झोली में क्या डाला, अस्वहानी एयरलाइन, छोटी सी एयरलाइन, और उसको किन अजीम लोगों ने फिर बामे सुरैया तक पहुंचाया, किस किस का नाम, किस किस का नाम, एस यू दुरानी मरहूम, नूर खान मरहूम बड़ा नाम, एयर मार्शल असर खान, रफीक सैगल साहब, जनाब आरफ अब्बासी साहब, नवाज टवाना साहब, अहमद सईद साहब, मैनी अदर्स, ये वो लोग थे जिन्होंने अस्वहानी को उठाया, छोटी सी जो उनकी एयरलाइन जो उन्होंने तोहफे में कायद को दी, इस मुल्क को, जिस मुल्क के पास जब ये आज़ाद हुआ तो जो हमारे हालात थे, इस नन्ही पौध को, यंग जनरेशन को क्या पता, हमारे पास तो हमें तो रोटी के लारे थे, लेकिन उस बड़े खानदान ने हमें क्या दिया, हमें नन्ना सा ओडन कटोला ओरिएंट एयरवेज दी, ओरिएंट एयरवेज को फिर आसमानों पर पहुंचाने वाले अजीम लोग, अजीम क्या, अजीम तर इंसान थे, उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उस वक्त के मुलाजमीन आप उस वक्त का स्टैंडर्ड देखें, उस वक्त का उनका विजन देखें, उनके एंथुसियास्टिक देखें, उनका बलवला देखें कि उस एयरलाइन को दुनिया की टीचर एयरलाइन बना दिया। उस एयरलाइन ने क्या किया, उस एयरलाइन ने बच्चे दिए, माल्टा एयरलाइन बना दी, एमरेट्स बना दी, और अपने अस्वहानी हैंगर में, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लीजेंडरी स्कूल पे ट्रेनिंग सेंटर से ऐसे ऐसे होनहार कप्तान पैदा किए, ट्रेनिंग की, वहाँ डीएमजी ग्रुप जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। ग्रेट व्यूअर्स, क्या खूबसूरत स्कूल, सब स्प्लेंडेड, हम आपको दिखाएंगे वो स्कूल, वो पीआई का ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ से दुनिया की तमाम एयरलाइनें अपने पायलट भेजती थी, अपने इंजीनियर्स भेजती थी, और अपने स्टाफ भेजती थी, अपना क्रू भेजती थी, कि उनको ग्रूम कौन करते थे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बाकमाल असातज़ा, बाकमाल इंस्ट्रक्टर्स, बाकमाल जनरल मैनेजर, बाकमाल मैनेजर, बाकमाल हर कारकुन, हर वर्कर बाकमाल था। एयरलाइन का लोगो, एयरलाइन का स्लोगन क्या था, बाकमाल लोग, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। और हमने इंतखाब किया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के उस हसीन स्लोगन से, अपने प्रोग्राम का नाम रखा बाकमाल लोग, और फिर बाकमाल लोग में बाकमाल लोग बुलाए गए, बाकमाल लोगों ने वो बातें बताई कि आप दंग रह गए, और ये प्रोग्राम बाकमाल बामे सुरैया तक पहुंचने लगा, लोगों ने बड़ा पसंद किया, हम अल्लाह की जात के बेहद ममनून हैं, ये प्रोग्राम फिर चल सो चल होता गया। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या अजीम लोग थे जिन्होंने ये एयरलाइन बनाई। चलिए अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा खूबसूरत जहाज जम्बो जेट 747 जब पीआईए में इंडक्ट हुआ, तो ये 1975 की बात है, क्या अजीम लोग थे कि इस जहाज को प्लान किया होगा। बाजार से चीज खरीदनी हो तो तंगी हो जाती है, 100 बजट बनते हैं, हुकूमतों के 100 धक्के खाने पड़ते हैं, इदारों के धक्के खाने पड़ते हैं, कितने वो पुरजोश लोग थे, उनकी क्या वियन थी कि उन्होंने सोचा कि हम दुनिया के साथ लिंक हो जाएंगे। टेलीफोन का निज़ाम तो था नहीं, काला टेलीफोन, वो हाथ से घुमाने वाला टेलीफोन, लेकिन हम जो बहरी रास्ते हैं उनको हवाई रास्तों में इस खूबसूरत अंदाज से
تبدیل کریں کہ دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو جائے. ایوب خان کیا جرنیل تھا؟ اس نے جمہوریت کا قتل ضرور کیا لیکن اس نے بڑا نام پیدا کیا. ہم اس ایوب خان صاحب کو، مرحوم جرنیل کو پھر ڈسکس کریں گے. لیکن دیکھیے بات حمیت اور خودداری کی ہے. جب ان کو ڈیڈی کہنے والے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تھنڈر سٹارم کے ساتھ ان کے خلاف جو مہم جوئی کی، ان کے خلاف جو بہت بڑا طوفان کھڑا کیا سڑکوں اور چوراہوں پہ، ان کو ان کے گلے میں، میں اس نس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا اور تمام گلیوں میں پھر کتا کہا جاتا تھا. وہ شخص خودار تھا، چھوڑ کے چلا گیا. اور اس کی آخری سپیچ مجھے آج تک یاد ہے، پھر کبھی سنائیں گے آپ کو. بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ بند گلی میں چلے جائیں، جب آپ کو معاشرہ ناپسند کرے، وہ جب آپ چلے جائیں، جب آپ چھوڑ جائیں، تو پھر دنیا آپ کو یاد کرتی ہے. پھر آپ ٹرکوں کے پیچھے لکھتے ہیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن وہ شخص چلا گیا چلا تو گیا خودداری کے ساتھ، لیکن جاتے ہوئے ایک بہت بڑا ظلم کر گیا. ایک ایسے جرنیل کو جس ملک کی باگ ڈور دے گیا، جس نے ملک دولخت کر دیا، اس کے اوپر بھی بعد میں ہم بات کریں گے. آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نور خان صاحب کیا ویئرنری ایئر مارشل تھے، یہ کہ سربراہ تھے، جہاز خریدے، ادارے بنائے، ٹریننگ سینٹر بنائے، اسٹاف کو ایٹیچیوڈ ڈیولپمنٹ سکھایا، امیج سکھایا، اور ہمارا کرو دنیا میں مانا گیا، ہمارا گراؤنڈ اسٹاف دنیا میں مانا گیا، ہمارے انسٹرکٹر دنیا میں مانے گئے. عارف عباسی صاحب بڑے دوست نما آدمی تھے، لیکن افسوس وہ شخص، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات انہوں نے مجھے خود کہی، کیونکہ مجھے ان کا بڑا احترام تھا. وہ بڑے پی آئی اے کے محنت کشوں کے لیے بہت بڑے مسیحا رہے. میں نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کو بے نظیر صاحبہ بڑے تمدراک سے لائی اور پھر آپ کو رخصت کیا بڑی بےعزتی اور رسوائی کے ساتھ، ذرا راز بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا مجھے، وہ بڑی محبت سے جاوید کہتے تھے، مجھے کہنے کے جاوید، اب مجھے کہا جا رہا تھا کہ فلپائن میں پرانے کھٹارا جہاز کھڑے ہیں، وہ خرید لو. میں نے کہا میں چلتا ہوں، کہ میں اپنے اوپر کلنک کا ٹیکا نہیں لگا سکتا ہے. چلے گئے، پھر آئے، چلے گئے. لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ ان کا نام انگریز کر لیتی ہے. برے لوگوں کو تاریخ نہیں معاف کرتی، اور اچھے لوگوں کے نام جو ہے اپنے سینے سے صاف نہیں کرتی. پھر آپ جوانا صاحب آئے، انہوں نے بھی اپنے تئیں ایئر لائن کو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جہاز کبھی 737 آ گیا، A310 آ گیا، A320 آ گئی، جہازوں کے امبار لگا دیے 52 جہاز. کیا دکھ کی بات ہے کہ آج صرف 17 دنیا کے نقشے کے جو گلوب ہے اس کا کوئی کونا نہیں تھا جہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپریٹ نہیں کرتی تھی. کس نے ڈبویا؟ حکمرانوں کے یاروں نے ڈبویا. حکمرانوں نے میرٹ کا جنازہ نکال دیا. تبھی میرٹ تھا، ہر شخص کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے، مجھے کب جانا ہے، مجھے اللہ کے گھر میں کب جانا ہے، مجھے لندن کب جانا ہے، میری پوسٹنگ کہاں کہاں ہونی ہے، ہر چیز میرٹ پہ تھی. اور ہماری 5'2" کا جو اسٹینڈرڈ کرو تھا، وہ 5'7" اور 6'6" کی خوبصورت حسین و جمیل ایروسس جن کو دنیا دیکھنے کے لیے آتی تھی. ہمارا کرو، ہمارا گراؤنڈ اسٹاف سج دھج کے وائٹ یونیفارم پہنے جب کہیں جاتا تھا تو یہ بیوروکریٹس باہر آ کے ریسیو کرتے تھے. تو ناظرین بڑے دکھ کی بات ہے. عارف عباسی صاحب نے ایئر لائن کو کمال عروج تک پہنچا دیا. نواز ٹوانا صاحب نے کمال عروج تک پہنچا دیا. کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ پرزوں میں کفین کھایا جائے گا، کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ آب زمزم، استغفر اللہ، ہولی واٹر، اس کی خرید و فروخت میں بھی کمیشن کھایا جائے گا. یعنی 5 درہم یا سپوزنگلی 10 درہم کا جو کین ہے، اس کو آپ نے ایسے ایسے بدبخت بھی آئے کہ جو بعد میں جن کا نام تاریخ نے مٹا دیا، جو بڑے رسوا ہو کے گئے، ان کا ذکر بھی ابھی آ رہا ہے. ہم آپ کو، وہ کوئی 100 سالہ پرانی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم وہ بھی بتائیں گے. ٹائروں میں سے کمیشن، ٹرالیوں میں سے کمیشن، کمبلوں میں سے کمیشن، یعنی کمیشن مافیا بن گیا. ہم تو سنتے ہیں کہ کمیشن کسی برائی کو
बुराई की डिग आउट, बुराई को डिग आउट करने के लिए, क्राइम को डिग आउट करने के लिए कमीशन बनता है, लेकिन वो कमीशन छोड़े ना तो कमीशन माफिया ने इस एयरलाइन की जो मांस तक खा गए, हड्डियां रहे हैं, और ये एयरलाइन दुनिया पर राज करने वाली एयरलाइन क्रैप होने लगी। पहले ज़ियामखूम ने MLR 52 लगा दिया, 5,000 का मुलाजिम निकाला और 2,00,000 का मुलाजिम रख लिया, अंबार लगा दिए, किसी एजेंसियों से लाके बिठा दिए, कोई फौज से लाके बिठा दिए, एयरलाइन को घर की लौंडी बना दिया गया। हुक्मरान आए, हुक्मरानों ने इसका जलूस निकाल के रख दिया, भुरकस निकाल के रख दिया। कमीशन माफिया ने इसके साथ वो सलूक किया कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। आज हम आपको दुख के साथ ये कह रहे हैं कि ये एयरलाइन जो दुनिया की मानी हुई 5-star नहीं, 7-star नहीं, इसके स्टार अनगिनत थे। जब बनाई गई तो ये राज करती हुई क्वीन ऑफ द हॉराइजंस कहलाई, लेकिन फिर इसके साथ जो सलूक हुआ आज जमाना देख रहा है। लोग तरसते हैं, लोग दुख से कहते हैं हम कोई लौटा दे हमारी पुरानी PIA। इंशाल्लाह लौटेगी। नाज़रीन, ग्रेट व्यूअर्स, ये तीसरी नस्ल के जो लोग हैं, बाप ने सफ़र किया, दादा ने सफ़र किया, पोते ने सफ़र किया, तो पोता पूछता है अपने बाप से, फिर दादा से पूछता है, अब्बू दादा आप तो कहते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, अब तो ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद कहाँ चला गया, ये तो ज़मीन बोस हो रही है। इंशाल्लाह ये नहीं होगी। आज हम आपको ये जो बात करने जा रहे हैं ये है हमियत और खुदाई की। ज़िया साहब ने MLR 52 लगाया, 5,000 मुलाजमीन दर बदर कर दिए गए, नाबीने हो गए, रुल गए। पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है, पीपल्स पार्टी आज वाली नहीं, बेनजीर शहीद वाली, मोहतरमा बेनजीर ग्रेट लेडी वाली पीपल्स पार्टी, उसे कहा सबको बहाल कर दो, बहाल हो गए। लेकिन बहाल के साथ साथ फिर एयरलाइन को बेहाल भी कर दिया। 15-15 साल पुराने जो बैक डेट से जो क्रिमिनल माफिया था, जो बुरे थे, जो फ्रॉडिये थे, जो चोर थे, उचक्के थे, वो आए वापस, जिन्होंने एयरलाइन डैमेज की थी उनको बैक डेट से सारी मरात और पैसे दे दिए गए। तो बूढ़े हो गए थे, दांत निकल गए थे, लेकिन उनको दोबारा रखा गया, जुल्म कर दिया, एयरलाइन बैठना शुरू हो गई। फिर जरदारी साहब ने जो रही सही कसर थी उसका जनाजा निकाल दिया, उन्होंने ये एयरलाइन अपने यारों को दे दी। यानी अंदाज़ा करें कि इजाज़ हारून, कैप्टन इजाज़ हारून साहब का सिर्फ ये एजाज़ था, ये पार्टी के लिए नहीं था। सुना है उन्होंने किसी बुरे वक्त में जरदारी साहब के लिए कोई घर भर की रजिस्ट्री या पता है क्या, वल्ला आलम बिस्वाब, ये दिया। उसके बदले में उन्होंने क्या, जरदारी साहब, एक जरदारी साहब पे भारी नहीं, जरदारी की यारी सब पे भारी है। जरदारी साहब यारों के यार हैं, वो नहीं देखते कि ये कोई सिपाही है, बना दो IG, ये कौन है, बना दो कमिश्नर, ये कौन है, मजर है, बना दो टिप्पी, हमारा यार है, ये कौन है, जुल्फकार मिर्जा साहब हैं, हमारे यार हैं, इनकी बेगम साहबों को स्पीकर बना दो। वो बात की बात है कि लोग, वो जरदारी साहब तो कहते हैं सही, लोग नमक हराम भी होते हैं, मिर्जा साहब की बात सुने कोई और बात है, हम सियासी बात नहीं करेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि इस एयरलाइन का जनाजा निकालने के लिए जरदारी साहब ने जो जुर्म किया वो अपने यार कैप्टन इजाज हारून को इसकी बागडोर संभाल। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इजाज हारून साहब मेरे प्रोग्राम में आए, मैंने उनको कॉल भी किया था, इजाज हारून मेरे प्रोग्राम में आ जाएं, आप बैठे मेरे सवालों के आप जवाब दे दें कि जहाजों में कंबल गायब कर दिए गए, कैटरिंग की ट्रॉलियां गायब कर दी गई, कभी अपने अजीजों को सैंडविच के ठेके दे दिए गए, कैटरिंग के ठेके दे दिए गए, जदा में आब जमजम के जो केन थे, अब तो कहते भी शर्म आती है, गुनाह होगा, अल्लाह हमें माफ फरमाए। क्या हुआ, एयरलाइन जब कोलैप्स होने लगी तो जरदारी साहब कहते हैं पट्ठा बैठता है बैठ जाए, हम अपने यार को कुछ नहीं कह सकते, असी यार नू फिटे मुंह नहीं कहना। इदारा बैठना शुरू हो गया, हंगामे शुरू हो गए। ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन आपको याद होगा क्या तूफान उठा, कप्तानों के सर फटे, इंजीनियर्स के सर फटे, मुलाजमीन के सर फटे,
सब कुछ क्या पटा, एयरलाइन ही फट फटा फिट फटा हो गई, फिर भी नहीं निकला। लेकिन जब देखा कि तारीख में पहली दफा टोटल एयर डाउन स्ट्राइक हो गई है, फ्लाइट डाउन स्ट्राइक हो गई है, नो मोर फ्लाइट टोटल, तो फिर शायद अल्लाह सलामत रखे किसी हमारी मुल्क की मुल्क दोस्त एजेंसी ने जाके कहा होगा जरदारी साहब बस करो बहुत हो गई, फिर इजाज़ हारून साहब को इस मुल्क से भागना पड़ गया, कोई जहाज पे नहीं बैठने देता था, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, दूसरे यार को कैप्टन नदीम यूसुफ जई को लगा दिया गया। नदीम यूसुफ जई साहब बहुत अच्छे कप्तान होंगे, बहुत अच्छे इंसान होंगे, और भाई एयरलाइन चलाना कोई खाला जी का वड़ा नहीं है। चार दिन उन्होंने मौज की, तबाही बर्बादी कर दी, यारों को नवाजा, नलायकों को फॉरेन स्टेशन पे भेज दिया, तबाही बर्बादी, जहाज घटते गए, अयाशी बढ़ती गई, तबाही बढ़ती गई। फिर उन्होंने सजा के तौर पे क्या किया, उन्होंने सजा के तौर पे सिविल एविएशन में लगा दिया, सिविल एविएशन में चार दिन अयाशी करवाई। यानी कमाल है, ये दुख से कह रहा हूँ, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। इदारे डूब गए और हम कहते हैं कि जनाब कल भी भुट्टो जिंदा था, हर घर से भुट्टो निकलेगा। भुट्टो मरहूम ने ये नहीं किया था जो आप कर रहे हैं, जो आपने कर दिया। नाज़रीन बात कहने की यह है कि कैप्टन इजाज़ हारून ने छोड़ा नहीं, इस कदर रुस्वा हुए, इस कदर जलीलो रुस्वा हुए कि सिंध गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट की मौजूदगी में वहां कप्तानों के सर फाड़ दिए गए, लहूलुहान कर दिए गए। दूसरे मरहले में मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने जब चहेते लगाए, वहां स्ट्राइक हुई, वहां बुरा हाल हुआ, वहां पीआई के मुलाजमीन मार दिए। कहां? सिंध में। ग्रेट व्यूअर्स, ये आपको मालूम होगा कि कहां मारे गए, कराची एयरपोर्ट पे, और पुलिस जो ऑपरेट कर रही थी वो सिंध पुलिस ऑपरेट कर रही थी। कहने का मकसद ये है कि इस इदारे को इस तरह घुन लगती गई, इस तरह इसकी तबाही होती गई कि ये खून के आंसू रोने लगे। जो अच्छे कारकुन थे, जो अच्छे वर्कर थे, वो नीचे होते गए, मेरिट का जनाजा निकलता गया, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट रही, किसी चहेते को डायरेक्टर लगा दिया गया, जो नलायक तरीन था, जिसको ABC जहाज़ों की ABC नहीं आती थी, वो चहेता था, वो लाडला था, सुबह पैदा हुआ, शाम को जवान हुआ, रात को उसको डायरेक्टर बनाया, सुबह उसने चोरी की, उसके ऊपर इंक्वायरियाँ हुई, इंक्वायरियाँ साबित हो गई, डेली वेजेस था, कॉन्ट्रैक्ट पे आया, मिनिमम ग्रुप में, 3 में 4 में, रातों रात 6-7 स्टेशन मैनेजर बना, एंटी मैनेजर बने, इस एयरलाइन को ये तबाही हुई। दुनिया की तारीख में इतनी शर्मनाक हरकत कहीं भी नहीं हुई होगी जो हमारे यहाँ हुई, कि शराब पी के हम दियारे गैर में जब लैंड किए, वहां रुसवाई हुई, हमारे कप्तान को सजा हुई, इदारा इस तरह बैठा। फिर क्या हुआ, मैनचेस्टर जाते हुए दो मुसाफिर लड़ते हैं, एयर होस्टेस साहब जाके कान भरती है कप्तान की, कप्तान साहब मेडे कॉल कर देते हैं कि ये सेट हो गया है, इसने कहा, इस पैसेंजर ने कहा जहाज हाईजैक कर दिया जाएगा। अरे खुदा के बंदे, कप्तान साहब आप ना जाते, फर्स्ट ऑफिसर साहब को पीछे भेजते और जाके पैसेंजर से निगोशिएट करते, बात करते। क्या हुआ, जब नीचे सिक्योरिटी कॉल क्लिक कर दी गई, फोर्सेज आ गई, हमारे मासूम जहाज को उनके फाइटर्स ने लैंड करवाया, एक जंगल में जाके खड़ा कर दिया, 24 घंटे मुसाफिर कैद, जहाज कैद, हमें लाखों पाउंड का टीका लग गया। एयरलाइन इस तरह बैठती है। फिर ये तजर्बाती लेबॉरेटरी बना दी गई, मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो खरगोशों और हनूत शुदा लाशों के ऊपर तजर्बा किया जाता है, यहाँ जिंदा लाशें लगा दी गई, किसी को MD लगा दिया गया, किसी को डायरेक्टर लगा दिया गया, किसी को CO लगा दिया गया, किसी को COO लगा दिया गया, किसी को कमर्शल, भाई एक चेयरमैन होता था, एक MD होता था, जनरल मैनेजर्स थे, एक खूबसूरत सेटअप था, बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके साथ क्या खिलवाड़ किया। बात हो रही थी इज्जत और वकार से चले जाना। आज मुझे इससे बेहतर कि मैं और इसके ऊपर आपका दिल दुखाऊं, आज सही के अंदर रमजान शरीफ में सुबह एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत की कॉल आई, मेरे लिए बहुत बाइस हैरत थी कि खुदा खैर करे, क्योंकि उन्होंने जब मैं कभी कॉल करता हूं तो या तो कभी वो पाजर में पड़े होते हैं, कहते कमांडर साहब मैं जहाज तो उतर रहा हूँ, मैं जहाज तो ले रहा हूँ, मैं जहाज से चढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हो गया, मैं डिनर कर रहा हूँ, मैं लंच कर रहा हूँ। लेकिन जब उनको शौक से, या मेरी खुशनसीबी है, हमारे दोस्त हैं,
उनको जब कभी उफ्ताद पड़ती है तो फिर वो बड़ी मोहब्बत से हमें याद करते हैं। आज सुबह जो उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे ये बात सुनाई। वो बात क्या थी कि जिस एयर मार्शल सलमान साहब को DGCA बतौर DGCA 4-5 महीने पहले या 3-4 माह पहले बहुत बुरी हालत में तारीख में अयूब खान बहुत रुस्वा होके गए, लेकिन जाते हुए छोड़ के चले गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैप्टन एजाज हारून इस कदर रुस्वाई के साथ गए कि उन कुछ छोड़ा नहीं, चिपके रहे जब तक कि उनको उठा के बाहर नहीं फेंक दिया गया। वो रुस्वा होके गए और फिर उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने मैनेज किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम उस वक्त वजीर आजम थे और वो जनाब साबिक चेयरमैन PIM सईद साहब की वालदा की वफात पे गए तो मैनेज किया हुआ था। वहां एजाज हारून साहब बैठे हुए थे, वो एजाज हारून साहब कैप्टन एजाज हारून जो मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जो उनके उनके नाम लेवाओं को हर वक्त कोड़े और दुरे मारते थे, वहां दुबके हुए बैठे थे। इसलिए कि ये चस्का नहीं जाता, छुटती नहीं है, ये काफिर मुंह से लगी हुई। PIA का तो वहां मुलाजम मान नहीं और फिर उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होना, उसका बादशाह सलामत होना। वहां बैठे हुए थे भिखारियों की तरह अहमद सईद साहब की का सहारा लेके। अहमद सईद साहब ने भी खूब तकरीर डाली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की, जनाब एंदे तो वड्डा बंदा ही कोई नहीं पैदा होना, इस एयरलाइन इसके बगैर चल ही नहीं सकती। हालांकि एयरलाइन उनके होते हुए चल चला हो गई थी। एनीवे अल्लाह ने करम किया तो हमारी हमने भी स्ट्रगल की, हमारे दोस्तों ने स्ट्रगल की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को खुदा खौफी आई और उन्होंने दोबारा एयरलाइन को तबाही से बचा लिया। लेकिन मियां साहब को भी पता नहीं कब ख्याल आएगा, उन्होंने भी कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू रखना है, चैन से ना बैठना है, ना दोस्तों को बैठे देना है और फिर अदालतों के साथ प्रॉब्लम, फौज के साथ इधर उधर, सुकून से आखिरी उम्र मियां साहब आप ही सुकून से गुजारे। क्या जरूरत थी DGCA आसिम सुलेमान साहब जो एयर मार्शल रिटायर्ड हैं उनको बतौर DGCA सिविल एविएशन में एक हंगामा हुआ, सिविल एविएशन में बहुत बुरे हालात पैदा हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। बल्कि जिन साहब ने मुझे आज कॉल किया था उन्होंने ही मुझे कॉल करके कहा, रात को कॉल किया था और कहा था कमांडर साहब सुबह इनको कार से निकाल कर घसीटा जाएगा, ये हंगामा होना है। और वो सुन रहे हैं तमाम सिविल एविएशन वाले जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, जिन्होंने मुझे लिखे, जिन्होंने मुझे वो एप्लीकेशन भेजी, जिन्होंने मुझे प्रोटेस्ट के मुझे पेपर भेजे, उनको मैंने मना किया। मैंने कहा फॉर गॉड से कानून को हाथ में मत लीजिए, आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। मैंने रात को ही सरदार मेहताब अब्बासी साहब को जब मैसेज भेजा तो उनके स्टाफ अफसर ने मेरे साथ रब्ता किया और आप देखें मैंने जब उनको अलर्ट किया कि हालात खराब होंगे सिविल एविएशन में, ये होने जा रहा है, थैंक्स गॉड एयर मार्शल साहब वहाँ से इस्लामाबाद से तशरीफ नहीं लाए, वो वहाँ रुक गए वो समझ गए थे। और सरदार मेहताब अब्बासी साहब ने और सारा किस्सा मुझसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि जब आप बेइज्जत हो जाएं, जब आप बंद गली में चले जाएं, जब आपके खिलाफ चार्जेस ये हों कि आप गंदी गलीस गालियां देते हैं और आप जब आप प्रिजाइड करते हैं, अब आप जब आप चेयर करते हैं बतौर सरबरा डायरेक्टर्स को, जनरल मैनेजर्स को, तो फिर आप नीचे लोगों को हैवान समझते हैं। मैं आपको इस वक्त ऑन कैमरा वो बातें सुना नहीं सकता जो मुझे सिविल एविएशन के तमाम मुलाजमीन टॉप लेवल के उनकी इन राइटिंग मेरे पास मौजूद है और मुझे उन्होंने दुख से कहा कि वो बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं जो एक आम बिल्कुल जो अनपढ़ है, और मैं अपनी घर की मुलाजमा से भी ऐसी तवक्को नहीं रख सकता, आप अपने घर के मुलाजम और माली से तवक्को नहीं रख सकते। जो मुझे उन्होंने कहा, मैंने बड़ी कोशिश की एयर मार्शल साहब से रब्ता करने की, उन्होंने उस समय मीडिया से नफरत करते हैं, मैं जब कोशिश की कि मैं उनसे उनके व्यूज लेना चाहता हूँ, उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो मालूम हुआ कि वो बड़ी नफरत करते हैं मीडिया से, लिहाजा हमने सोचा कि फिर हम भी उनसे दूर हैं। नाज़िम हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपको सुनने जा रहे हैं कि वो जिनको बड़ा बेइज्जत करके रुसवा करके सिविल एविएशन से निकाला गया वो कहाँ आ गए दोबारा, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। जाइए अनजाय कीजिए लेकिन लौट आइए, हमारे साथ रहिएगा।